आचमन मंत्र से आज हम लोग तन मन की शुद्धि करेंगे और आरोग्य यज्ञ के माध्यम से पूरे विश्व के कल्याण के लिए यह अभियान आज हम लोग देवरिया ग्राम से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए सभी, जब हम स्वाहा कहें तो आप लोग स्वाहा बोलते हुए जल को मुख के माध्यम से कंठ तक सिंचित कर लेना है। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा। स्वाहा बोलिए सभी लोग। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यमेश श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हाथ को थोड़ा किनारे करके रगड़ करके मानसिक रूप से शुद्ध कर लीजिए। अब बाएं हथेली को आगे करिए और दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी और छोटी कनिष्ठ उंगली को मिलाकर बाकी बीच की दो उंगली से आप बाएं हथेली के बीच में आप मध्य में स्पर्श करेंगे और जिन अंगों का नाम लेंगे हम उन अंगों को शुद्ध निरोग बनाने का परमात्मा से एक प्रार्थना करेंगे और जिन अंगों का नाम लेंगे उनको पहले दाहिनी तरफ में और फिर बाईं तरफ छूना है, ठीक है। अंग स्पर्श मंत्र से अंगों का स्पर्श करेंगे। ओम वांगमय आये अस्तु। मुख के दाहिनी तरफ और मुख के बाईं तरफ छूइए। हे परमात्मा, मेरे मुख में कोई बीमारी ना हो, मेरे मसूड़ों में, दांतों में, कंठ में, जिह्वा में कोई बीमारी ना हो। बीमारी है तो बीमारी ठीक हो जाए। हम क्रोध ना करें, तनाव ना करें और मुख से कोई गाली कभी किसी को ना दें, ऐसा भाव। ओम नसोर में प्राण वस्तु। नासिका के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ है परमात्मा। नाक में कोई बीमारी ना हो, साइनस से लेकर के सांस संबंधी बीमारी और नासिका से जो हम सूंघने की शक्ति है वो शक्ति हमेशा बनी रहे। ओम अक्षोरण में चक्षुर अस्तु। नेत्र के दाहिनी तरफ और आंख के बाएं तरफ हे परमात्मा, मेरे आंखों में चश्मा ना लगे, आंखों से कभी अंधा ना हो जाए, आंखों की रोशनी बनी रहे और इन आंखों से यदि किसी माँ बहन को देखें तो उसमें अपनी माँ बहन बहु बेटी दिखाई दे, इसीलिए भगवान ने हमें आंखें दी है। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु। कान के दाहिनी तरफ और कान के बाईं तरफ हे परमात्मा, कान में कभी घाव ना हो, कान के पर्दे में कभी छेद ना हो और कान से जो हम सुनते हैं सुनने की शक्ति बनी रहे और यदि हमें कोई गाली भी देता है तो ऐसा लगे कि परमात्मा का भजन कर रहा है, ऐसी शक्तियों के साथ हम निरंतर जुड़े रहें। ओम बाएं ओर में बलम अस्तु। कंधा के दाहिनी तरफ और कंधा के बाईं तरफ हे परमात्मा, मेरे कंधे में, मेरे केहुनी में, मेरे कलाई में, मेरे हथेली में, मेरे हाथों में, मेरे अंगुलियों में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, लकवा से लेकर के नस नाड़ियों में किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो और ये हाथ कभी उठे तो किसी की सेवा के लिए, प्राण बचाने के लिए, मुर्गा काटने के लिए नहीं, बकरा काटने के लिए नहीं, कबूतर मारने के लिए नहीं, मछली तड़पा तड़पा करके मारने के लिए नहीं। भगवान भी शर्मा जाता है हमारे कर्मों को देख करके। भगवान यदि ये जानता पहले कि आदमी जाकर के वहाँ जाकर के मुर्गा काटेगा, बकरा काटेगा, तो उस आदमी को भगवान बिना हाथ पैर का भेजता यहाँ पर। भगवान भी पछता रहा है वैसे लोगों से। आइए एक संकल्प के साथ कहे, प्रभु जीवन में कभी ऐसा कुकर्म ना करें ताकि दूसरों को भी कष्ट हो और हमें भी कष्ट भोगना पड़े। ओम उर्वर में ओजमस्तु। घुटना के दाहिनी तरफ और घुटना के बाईं तरफ हे परमात्मा, मेरे कमर में, मेरे घुटने में, मेरे पिंडली में, एड़ी में, तलवे में कभी कोई रोग व्याधि ना हो, कभी लकवा से लेकर के तमाम बीमारियों से हम बचे रहें। ओम अरिष्टानी मेंगानी तनु सत्वा में सतु। शरीर के चारों तरफ छिड़कते हैं कि हे परमात्मा, जिन अंगों का नाम लिए वो भी निरोग रहे, जिन अंगों का नाम नहीं लिए वो भी निरोग रहे, स्वस्थ रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ हम अंग स्पर्श के इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। बोले भारत माता की जय, यज देवता की जय, हवन देवता की जय, देवरिया ग्राम की जय, उपस्थित नर नारियों की जय। यही वाला बस।